गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज योर BSc थर्ड ईयर क्लास वीडियो। वी आर स्टार्टिंग विथ पीपोर, फर्स्ट दैट इज अ सॉलिड स्टेट। वी हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द वीडियोज इन दिस। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ टॉपिक दैट इज मैग्नेटिज्म इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देर आर द थ्री प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इन एन एटम। एक सॉलिड सब्सटेंस के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट की प्रॉपर्टी देखी गई है। अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर बाहरी या कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। गिव सपोज टू बी दैट इफ M इज द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अप्लाइड फील्ड। And if the solid state particles are anti-parallel, होते हैं तो वहाँ पर एक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। अगर किसी सब्सटेंस सॉलिड के ऊपर अगर बाहर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो सब्सटेंस है ये भी अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अलाइन करती है। अगर डायरेक्शन विल बी एंटी पैरेलल होगी, दैट मीन्स दे आर अलाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक। देन देर आर द अदर प्रॉपर्टीज आर इफ द M इज पैरेलल टू अप्लाइड मैग्नेटिक, अगर पैरेलल हो जाता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, देन इट इज सेड टू बी अ पैरा मैग्नेटिक और पैरोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। इसकी तीन अलग अलग प्रॉपर्टी है। दिस थ्री प्रॉपर्टीज आर, फर्स्ट इज ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के ऊपर ये डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। सेकंड है इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिपेंड करती है। एंड थर्ड इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू चेंज इन द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक। किसी सब्सटेंस के ऊपर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है और उसके कारण उसके अंदर जनरेट होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी के कारण भी डाई पैरा और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। इफ एनी एटम, अगर कोई एटम है, देयर इज अ न्यूक्लियस अबाउट विच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटेड इन दिस स्पिन। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे घूमता है, उसके सेंटर में चूँकि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को कैरी करता है और इस पूरे ऑर्बिटल के अंदर रोटेट करता है, मोशन करता है, देन इट इंड्यूस्ड अ करंट टू डायपोल। जब करंट डायपोल जनरेट करता है, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू वी बाई टी, और टी इज द टाइम पीरियड, वी अपॉन 2πr। R is the radius of orbit and V is the velocity of electron.
we can write. Then magnetic moment, we all know about the magnetic moment, that is M is equals to I into E. I we have already calculated, EV upon 2 pi. A is the area, that is pi R square. These terms are cancelled. Then EV R pi 2 is small. यहाँ पर ये जो m जनरेट होता है इज ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ m इज डिसाइडेड बाय द मोशन ऑफ m का जो डायरेक्शन है दैट इज ए मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होती है कि उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इसके हिसाब से फोर ऑर्बिटल मोशन दो पार्ट हो गए, फोर स्पिन मोशन. ऑर्बिटल मोशन भी आता है और स्पिन मोशन भी आता है. सो ऑर्बिटल मोशन इज एम एल बाय एल दैट इज ई अपॉन एम एस अपॉन एस. चूंकि एस दो इलेक्ट्रॉन्स के कारण स्पिनिंग होता है सो दैट इज टू ई बाय टू एम. सो ई बाय वी कैन राइट द स्पिनिंग ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए टू पैरा मैग्नेटिक कॉन्फिगरेशन. इन दोनों के कारण, इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है. इन दोनों की वैल्यूज के बेसिस पे ही पैरा मैग्नेटिज्म को डिफाइन किया जाएगा कि उसमें कितना पैरा मैग्नेटिज्म जनरेट होगा. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल स्पिनिंग मोशन पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करने के लिए स्पिन मोशन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू ऑर्बिटल मोशन. क्योंकि स्पिनिंग प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक इफेक्ट अट्रैक्टिव मोशन, क्योंकि इसमें एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसमें पैरामैग्नेटिक में स्पिनिंग मोशन की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा. अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी सब्सटेंस पर लगाते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है उसके कारण उसमें जनरेट होने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट को कम कर देता है. दैट मीन वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर लगाया जाता है तो मैग्नेटिक मोमेंट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू मिनिमाइज द एनर्जी. अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर अगर हम बाहर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन सी डायरेक्शन में अलाइन करता है जिसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी जो है कम हो जाती है. इसके कारण फर्स्ट देन इलेक्ट्रॉन्स आर अनबाउंड इन एटम. इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर होते हैं एटम्स के अंदर. देन then spinning contribution is high. That means अगर किसी substance में और unpaired atoms electrons ज़्यादा होंगे, unpaired electrons ज़्यादा होने की वजह से आपका spinning contribution ज़्यादा होगा.
अगर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होती तो एटम की स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन, अगर पेयर अनपेयर्ड नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन देन द स्पिनिंग प्रॉपर्टी का जो मैग्नेटिक मोमेंट है तो अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। दैट मीन्स अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिनिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी विच इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट द इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो उसमें जनरेट होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। देन नेक्स्ट वी कैन सी, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं ऑर्बिट के ऊपर देन उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और ये डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन का। अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो चूँकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वी लिखते हैं, दिस वी इज़ अफेक्टेड बाय डेल्टा, जिसके कारण या तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है या तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। सो वी कैन सी देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द ऑर्बिट then there will change it speed, that is delta v, it will speed up or down, बढ़ाएगा या कम करेगा depend being upon the direction next day। अगर हम किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स भी इफेक्ट होता है। दैट इज़ अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसका फ्लक्स विल बी चेंज्ड। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो अगर दैट मीन्स फ्लक्स विल बी चेंज बिकॉज क्योंकि उसका अपना भी एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसके कारण उसके फ्लक्स की प्रॉपर्टी में भी चेंज आता है। Now, induced magnetic moment is very small, so diamagnetic effect is small. क्योंकि इसके कारण induced magnetic field बहुत कम होता है, जनरेट होता है, जिसके कारण उसका diamagnetic property weak हो जाती है, weak हो जाती है। Next, we will continue the next video.